एक बड़ी खबर सीतामढ़ी से है। जनता दरबार में उमड़ी भीड़। 300 से अधिक आवेदन हुए प्राप्त। 85 मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। ग्राम पसुआ प्रखंड सुप्पी की वहीदा खातून ने डीएम को आवेदन देकर बताया कि मुखिया द्वारा हर घर नल का जल एवं पक्की गली नाली योजना हेतु वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा नहीं भेजा गया है, जिसके कारण योजना का कार्य नहीं हो पा रहा है। उसने बताया कि कई वार्ड में यह समस्या है। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपस्थित पंचायती राज पदाधिकारी को अविलंब जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। ग्राम पिपराही बाजपट्टी के देवेंद्र शाह ने अपने आवेदन में शिकायत करते हुए कहा कि मुखिया द्वारा चापाकल का अतिक्रमण कर वहां पर शौचालय बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त ICDS, भूमि विवाद, भूमि अतिक्रमण, विद्युत बिल, पेंशन योजना, दाखिल खारिज आदि से संबंधित ज्यादा मामला आए, जिसे डीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। और जितने भी बाकी कंसर्न था उनको हमने फॉरवर्ड किया है, उसके अलग से हम लोग फॉलोअप भी कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। मैक्सिमम जो उनकी समस्याएं थी वो पेंशन से जुड़ा हुआ था, कई फसल क्षति से जुड़ा हुआ था, आंगनबाड़ी या शिक्षा संयोग चयनी जो प्रक्रिया चले उससे जुड़ा हुआ था। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें कि जमीन से जब संबंधित मामले थे, जिसमें कि आपसी उनके झगड़े थे, अतिक्रमण से जुड़ा मुद्दा था। सभी मुद्दों को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना और देखा और जिला प्रशासन की पूरी टीम इसको देख रही थी और इसको सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। और लोगों का विश्वास जो है प्रशासन के प्रति बढ़ रहा है, सरकार के प्रति बढ़ रहा है, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है।